गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेस जैसे द हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से आईएएस या पीसीएस में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ एमसीक्यू के रूप में उसे डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 6th डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे फसाई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के माध्यम से किया गया है। यह एक सांविधिक संगठन है जो मुख्य रूप से भारत में खाद्य स्टैंडर्ड के मामलों में देखरेख करती है। इस चीज को ध्यान रखती है कि भारत में जो भी वस्तुएं उपयोग के लिए उत्पादित की जा रही हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसको उपयोग किया जाना सुरक्षित है या फिर नहीं है। यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखेंगे। हमारे दिए गए ऑप्शन में दूसरा कथन क्या कहता है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय फसाई के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है। ये गलत है क्योंकि फसाई जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यानी कि फसाई जिस मंत्रालय की देखरेख में अपना संचालन करता है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। यानी कि दूसरा कथन गलत हो जाता है। आप याद रखेंगे इन सारी बातों को, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। इससे जुड़े हुए न्यूज हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले नागालैंड की सरकार के द्वारा कुत्तों और कुत्ते से संबंधित मांस के वाणिज्यिक आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार का कुछ निर्णय मिजोरम की सरकार के द्वारा भी मार्च में लगाया गया था। इस घोषणा को करने के पीछे जो मुख्य आधार रखा गया वो ये कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज की अपील की थी कि जानवरों की सुरक्षा के लिए कुत्तों के मांस की आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। यदि हम बात करें नागालैंड इत्यादि आसपास के राज्यों में कुत्तों के मांस का, तो पारंपरिक रूप से कुछ समुदायों के द्वारा कुछ औषधीय गुण मानकर इसका लगातार उपयोग किया जाता रहा है। यदि हम बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड का यानी कि फसाई का, तो इसके अंतर्गत जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मांस के उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है जो मानवीय उपयोग के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन कुत्ते के मांस को इसके अंतर्गत यानी कि फसाई के अंतर्गत जो सूची बनाई गई है उसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारतीय कानून के हिसाब से कुत्ते के मांस का उपयोग किया जाना अवैध भी है और असुरक्षित भी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो न्यूज में थी। अगर हम बात करें फसाई का यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का, तो इसकी स्थापना 2006 में एक अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। ये भारत सरकार के मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसके अपने क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जिनके सहयोग से सामंजस्य के साथ ये कार्य भी करता है। ये मुख्य रूप से भारत में उत्पादित किए जाने वाले और बाहर से यदि कोई वस्तु खाने के लिए मंगाई जा रही है तो उनके स्टैंडर्ड को चेक करती है। उनके उत्पादन, उनके भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात इत्यादि को भी देखरेख यही करती है। इसको अधिकार दिया गया है कि समय समय पर खुदरा आधार पर या फिर थोक आधार पर जिन वस्तुओं को बेचा जाता है उनके स्टैंडर्ड को जाकर यह चेक कर सकती है। तो आप याद रखेंगे 2018 में यूपीएससी के द्वारा फसाई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एनरिका लैक्सी हादसा उन मामलों में से एक है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने समुद्र के कानून के लिए देखा है, इसका संबंध निम्न में से किस देश से है। आपको यहां पर
दो देशों के सहयोगी नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि एनरिका लेक्सी हादसा किन से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के भारत और इटली के बीच संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नीतियों से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपने निश्चित रूप से निकाल लिया होगा, क्योंकि हमने सिलेबस के अध्ययन में देखा था भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला मामला है उसमें भारत और इटली यानी कि एनरिका लेक्सी हादसा जो है वो भारत और इटली के बीच में है। हुआ ये था कि साल 2012 में एक तेल लेकर जा रही इटली की जहाज के द्वारा भारत के केरला के पास कुछ मछुआरों को गोली मार दी गई, जिसके बाद उन मछुआरों की मृत्यु हो जाती है। फिर ये मामला बढ़ता है और ये दो देशों के बीच एक कानूनी विवाद के रूप में उभरता है। तो आप इस मामले में यही याद रखेंगे कि एनरिका लेक्सी हादसा किसके बीच में जुड़ा हुआ है, भारत और इटली के बीच में। अगर हम बात करें इसके कुछ ऐतिहासिक बातों का, तो 2012 का मामला है। 2015 में इटली इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी के पास इस मामले को लेकर जाता है। इसी के अंतर्गत 2019 जुलाई में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा सुनवाई की जाती है और अभी इस मामले की सुनवाई समाप्त हो गई। कुछ निर्णय दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है, यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा ये कहा गया है कि जो व्यक्ति हैं, जो नौसैनिक हैं, उन लोगों का मामला भारत में नहीं चलना चाहिए, बल्कि उन लोगों पर जो न्यायिक मामला है वो इटली में ही चलाया जाना चाहिए। इसमें ये बात को भी नोटिफाई किया गया कि भारत के वो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवारों को, नाव के मालिक को और चालक दल के सदस्यों को कुछ मुआवजा इटली की सरकार के द्वारा दिया जाए। ट्रिब्यूनल के द्वारा ये भी कहा गया कि भारत को अपने अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अब ये क्यों कहा गया है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में खुलासे होंगे, लेकिन ये फैसले दिए गए हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये सारी बातें हैं। आप इन सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी एक स्वतंत्र निकाय है जो संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑफ द सी द्वारा कन्वेंशन की व्याख्या और आवेदन से उत्पन्न विवादों को स्थगित करने के लिए स्थापित किया गया है। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा न्यायिक निकाय है जो समुद्र के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विवाद होता है, उन विवादों को निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी के अंतर्गत की जाती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जो मामला चलाया जाता है, जो मध्यस्थता की जाती है, वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंतर्गत किया जाता है। मतलब मामला दर्ज यहां कराया जाएगा, इसकी सुनवाई परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंतर्गत किया जाएगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कोई न्यायालय नहीं है, कोई अदालत नहीं है, लेकिन ये संबंधित सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर बहुत सारे निजी संगठनों को मिलाकर निर्मित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। ये नीदरलैंड में स्थित है। यहां जो भी फैसले दिए जाते हैं वो बाध्यकारी नहीं होता है। साथ ही मैंने आपको बताया कि ये कोई न्यायालय नहीं है, मात्र ये एक आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता करने वाला न्याय है, न्यायालय न्यायिक संस्थान है। कहने का यह मतलब है कि मान लेते हैं कि इटली और भारत के बीच में समुद्री क्षेत्र में विवाद हो गया, कोई एक जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है इस मामले को लेकर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी के अंतर्गत इस निकाय के पास जाएगा, मामले की सुनवाई होगी। यदि भारत भी इस मामले को यहां पर सुनवाई करना चाहता है तो दोनों के सहमत होने के बाद मामले की सुनवाई होगी, कोई फैसला दिया जाएगा और उन फैसलों को मानना नहीं मानना ये दोनों देशों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आप याद रखेंगे। यदि आपसे ये पूछा जाए कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन संयुक्त राष्ट्र का कोई विशेषीकृत संस्थान है या फिर नहीं, तो आप कहेंगे कि नहीं है, लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो एक पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है।
मतलब कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई करने के लिए, जिनकी निपटान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को दिया जा सकता है। तो आप इन सारी बातों को याद रखेंगे। ये एक अंतर सरकारी निकाय है, इसे भी आप याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आपको यहां पर चार पंचवर्षीय योजनाओं के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा मॉडल जो था पंचवर्षीय योजना का, वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना का, तो ये 1951 से 1956 के बीच भारत की आजादी के 4 साल के बाद लागू किया गया था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना को हैरोड डोमर मॉडल कहा जाता है। जो हैरोड डोमर मॉडल था वो कृषि आधारित था, यानी कि कृषि को इसके अंतर्गत प्राथमिकता दी गई थी। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था वो उद्योग, विशेषकर भारी उद्योग पर आधारित था, और इसे ही महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। ये 1956 से 1961 तक भारत में संचालित किया गया था। आपको दूसरी कौन सा महालनोबिस मॉडल के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ये कौन किस पर आधारित था, कब से कब तक लागू किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि अभी ये न्यूज में क्यों आया है, तो भारत के पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर सी रंगराजन को पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। जो सी रंगराजन है उनको क्यों चुना गया, उनके पीछे जो बात रखी गई है संबंधित निकाय के द्वारा, वो कहा गया है कि आधिकारिक आंकड़ों के मामले में उनके दिए गए योगदान के लिए उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। यदि हम बात करें इस अवार्ड का, तो इसे भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किनको दिया जाता है, किसी संगठन को दिया जाता है या फिर किसी व्यक्ति को दिया जाता है? यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछती है कि केवल संगठन को दिया जाता है या फिर केवल संस्थान को दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे, पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी व्यक्ति को दिया जाता है, अगर वो व्यक्ति किसी भी विकासशील देश में या फिर किसी विकासशील देश के क्षेत्र में आजीवन कुछ ऐसे उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है जो सांख्यिकी के क्षेत्र का हो, तब उस व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। यदि हम बात करें पीसी महालनोबिस का, तो ये 1893 से 1972 तक रहते हैं। ये भारत के एक प्रतिष्ठित सांख्यिकीविद, कार्य प्रणाली अनुप्रयोग, सांख्यिकी विकास और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की और भारत सरकार के अंतर्गत एक सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे। जब भारत की आजादी के 4 साल के बाद पंचवर्षीय योजना को लागू किए जाने की शुरुआत की जाती है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया जाता है और इन्हीं के दिशा निर्देशों के अंतर्गत इसे लागू किया जाता है। इनके द्वारा लक्ष्य रखा गया था कि भारत का विकास दर जो होगा वो 4.5 के आसपास रहेगा, लेकिन जो विकास दर इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सका वो 4.2 था, लगभग प्राप्त कर लिया गया था। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना संचालित किए गए थे, हालांकि यहां 11 लिखा गया है, आप याद रखेंगे 12 संचालित किए गए थे। जो अंतिम पंचवर्षीय योजना था 2012 से लेकर 2017 के बाद था, के बीच में था। 2017 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाता है, और अभी वर्तमान में भारत में तीन प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक इमीडिएटली और एक शॉर्ट टर्म। तो इसे भी आप याद रखेंगे, भारत में 15 वर्षों का लक्ष्य रखकर भी एक दीर्घकालिक योजना संचालित की जा रही है, योजना नीति आयोग के अंतर्गत। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, इन 3 कथनों में से आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है,
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था या फिर किया गया है। फ्रेंड्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम 1960 के अंतर्गत 1962 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम 1960 के अंतर्गत 1962 में स्थापित किया गया था। तो यहां पर लिखा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, यह गलत है। दूसरा कथन कहता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत भारत में संचालित किए जा रहे प्रोजेक्ट टाइगर की देखरेख के लिए किया गया था। यानी कि दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कहता है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। हम लोगों ने पिछले डिस्कशन में देखा था कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, आपको सही पूछ रहा था, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, क्योंकि पहला गलत है। अगर हम बात करें इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों का, तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा सहारनपुर सर्कल के अंतर्गत जो शिवालिक वन है उसको टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। यदि शिवालिक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो जाएगी और भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 51 हो जाएगी। यानी कि वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 50 है और उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 3 है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। जो 3 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें बिजनौर, पीलीभीत के अमनगढ़ और लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसा देखा होगा आपने, बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा कि सहारनपुर के आसपास में मानव और पशु के बीच बार बार हिंसा के संघर्ष की न्यूज आती रहती है। तो इन्हीं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ मानव और पशुओं के बीच होने वाले संघर्ष रुकेंगे बल्कि उस क्षेत्र में जितनी भी जैव विविधता है उसको संरक्षित करने के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्तमान तक भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। भारत में बाघों की संख्या पूरी दुनिया का 80% है अभी वर्तमान में। अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का, तो इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से प्रोजेक्ट टाइगर को क्रियान्वित करने और उनको संचालित करने के लिए किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो भारत में 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर संचालित किया गया था। बाघों की संख्या जो लगातार घट रही थी उनको, उनके घटने को रोकने और बाघ के संरक्षण के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करने के लिए। एक अन्य बात, जो टाइगर रिजर्व किसी भी क्षेत्र को घोषित किया जाता है उसके लिए किया क्या जाता है, जो संबंधित राज्य होती है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी को अपना प्रतिवेदन भेजती है। उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी के द्वारा केंद्र सरकार को संबंधित प्रस्ताव भेजा जाता है। केंद्र सरकार संबंधित राज्य के साथ मिलकर संवाद करती है और कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जिसके बाद किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया जाता है। यदि किसी एक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है तो इससे कौन से फायदे होते हैं वो हमने अभी पीछे देख लिया है, लेकिन एक अन्य फायदा ये होता है कि जो अलग अलग राज्यों की सरकारें होती हैं, यदि उन राज्य की सरकारों के द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं कि यदि मानव और
जानवर के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से मानवों की मृत्यु हो जाती है तो उस मानव के परिवार को, उस व्यक्ति के परिवार को कुछ मुआवजा दिया जाता है। ये तभी लागू होता है जब वो घटना संबंधित आरक्षित क्षेत्र में घटा हुआ हो। तो यदि प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाता है तो कुछ लाभ भी होंगे। अगर हम बात करें भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का, जिसका जिक्र भी आया था, तो जैसे मैंने आपको बताया पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम 1960 के माध्यम से 1962 में इसे स्थापित किया गया था। ये एक 28 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और बहुत सारे अन्य सदस्य होते हैं। आप याद रखेंगे कि इसमें पशुपालन के आयुक्त, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय के एक एक प्रतिनिधि, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसका कार्य यह है कि पशु हिंसा को किसी भी हिसाब से रोकना। केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार को पशुओं को होने वाले पीड़ा से निपटने के लिए किस दिशा में कार्य किया जाए, कौन से प्रावधान किया जाए, इससे संबंधित परामर्श देने का कार्य भी इस निकाय का है। जो जानवर वस्तुओं को, यानी कि सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोकर ले जाते हैं, उनको किस प्रकार से उनकी समस्याओं को, उनके दुख दर्द को कम किया जाए, इस दिशा में भी इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जाता है। यदि कोई अस्पताल है जो पशुओं के लिए कार्य कर रहा है तो उस अस्पताल के लिए दिशा निर्देश जारी करना, यदि वित्त की आवश्यकता है तो उनके वित्त का प्रावधान करना, इत्यादि के क्षेत्र में भी कार्य किया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में पिंजरा, शरणगाहों या फिर पशु शेल्टर, अभ्यारण इत्यादि की स्थापना की जाती है। इनका निरीक्षण करना और जरूरत पड़ने पर इन पर रोक लगाना या फिर इन पर कुछ दिशा निर्देशों को देने और लागू करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। यदि कुछ ऐसे पीड़ादायक और हिंसा से संबंधित संस्थान है जो जानवरों पर कर रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई करने का कार्य इस निकाय के द्वारा किया जा सकता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अंतिम प्रश्न क्या कहता है? उत्तर से दक्षिण दिशा में भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों की व्यवस्था करें। 4 राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये उत्तर से दक्षिण कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजाजी नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, ये कहाँ है? राजाजी नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक। लगभग इसका अक्षांश जो है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटका में है। काजीरंगा हमने कल ही देखा था, ये असम में है। नमदफा जो है वो कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कि सबसे ऊपर में क्या होगा? ये 28 डिग्री अक्षांश के आसपास है, तो सबसे ऊपर क्या होगा? राजाजी, क्योंकि ये 30 डिग्री अक्षांश के पास है। नामदफा, ये 28 डिग्री है, यानी कि 4 हो जाएगी, एक के बाद 4 हो जाएगी। उसके बाद में फिर आएगा काजीरंगा, उसके बाद में नागरहोल, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये लगातार न्यूज में बने हुए हैं। हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क का, तो उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है उसे आप देख सकते हैं, राजाजी नेशनल पार्क यहां पे है। फूलों की घाटी लगातार न्यूज में बनी रहती है। नंदा देवी और कॉर्बेट ये यहां पर है, इसे आप देख सकते हैं। नामदफा, काजीरंगा और ये नागरहोल, ठीक। तो ये फ्रेंड्स हमारे आज का डिस्कशन था। हम आज के अपने डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। हम यदि कोई गलती कर रहे हैं तो आप उसे भी हमें बताइए। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि उन गलतियों को सुधारें और आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लेकर आएं, ताकि इस बार जब एग्जाम हो तो कुछ बेहतर हो सके। थैंक यू वेरी मच।